नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में जो वर्ग एक यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए चयन परीक्षा 2023 के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चयन परीक्षा 2023 के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि इस तरीके से है, जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्हता पाए गए अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चयन परीक्षा है, इसमें जो 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक की और 2023 में जो वर्ग एक की परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरे थे पात्रता परीक्षा के, वो इस मेन परीक्षा में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अब हम बात करेंगे आवेदन की तारीख क्या रहेगी, तो परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका जो है दोस्तों, तो दोस्तों इसके आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है 18/5 यानी कि 18 मई से इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और 1 जून 2023 इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। और आवेदन में किसी तरह का संशोधन जो है आप 18/5 से कर सकते हैं, जो कि 6/6/2023 तक करेंगे। उसके बाद में परीक्षा का दिन व दिनांक, तो दोस्तों 2/8/2023 बुधवार से इसकी परीक्षा प्रारंभ होगी। उसके बाद में मंडल का परीक्षा शुल्क, तो दोस्तों इसमें सीधी भर्ती के पदों हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो है इसकी आवेदन शुल्क 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रहेगी और सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, और केवल सीधी भर्ती बेकलाग हेतु कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर फॉर्म भरने पर शुल्क जो है 20 रुपये देय होगा। उसके बाद में दोस्तों, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भरवाए जाने वाले आवेदन पत्रों में आवेदकों को केवल प्रथम परीक्षा का आवेदन पत्र भरने के समय में एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा। उसके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मंडल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदकों को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एमपी ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देय होगा। तो दोस्तों, अब जो आवेदन आप भरोगे, तो आपको जो ये आवेदन भरोगे इसमें जो शुल्क रहेगी वही भुगतान करना है। उसके बाद में कर्मचारी मंडल द्वारा जो परीक्षा है आयोजित होगी, उसमें यदि आप आवेदन करोगे तो उसमें आपको किसी तरह का शुल्क भुगतान नहीं करना है। ये ESB यानी कि कर्मचारी चयन मंडल का एक नया फैसला है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो परीक्षा है 2/8/2023 से प्रारंभ होगी, जो कि प्रथम और द्वितीय दो पाली में इसकी परीक्षा होगी, जिसका रिपोर्टिंग समय और आवेदन परीक्षा देने का समय कुछ इस तरीके से ही आप पल लें। अब हम बात करेंगे आयु सीमा के बारे में। तो दोस्तों, इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु के बारे में कुछ इस तरीके से है, जिसमें आवेदक अधिकतम आयु वर्ष में और अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एक न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, तो उनकी अधिकतम आयु के यहाँ बारे में भी इसमें आयु सीमा में छूट के बारे में दी गई है। तो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष और यदि आप अतिथि है तो 49 वर्ष, ये महिला आवेदक यदि अनारक्षित है तो 45 वर्ष और यदि अतिथि शिक्षक है तो 54 वर्ष। इसी तरीके से दोस्तों, यह आयु सीमा के बारे में कुछ जानकारी है और इसके आवेदन न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा की गणना जो है 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधित छूट मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासियों को ही देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य के यदि इसमें आवेदन करते हैं तो उसमें आयु सीमा हमें छूट नहीं दी जाएगी। अब हम बात करेंगे आरक्षण के बारे में। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उपबंधों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसके अधिसूचना क्रमांक जो दिखा रहा है 9 सितंबर 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण
नियम 1998 और राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अनारक्षित प्रवर्ग श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थी के लिए पद आरक्षित किए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% इसमें आरक्षण के नियम रहेंगे। रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग वर्ग यथा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनारक्षित प्रवर्ग के निम्नानुसार क्षेत्रीय आरक्षण रहेगा, जिसमें मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग वर्ग के ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थी भरा जाएगा। ये कुछ इस तरीके से नियम पुस्तिका या पल्ल। अब हम बात करेंगे वेतनमान के बारे में। तो परिवीक्षा एवं वेतन मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इसकी नियम संशोधित अधिसूचना दिनांक 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा, जिसमें पद का विवरण जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक है, न्यूनतम वेतनमान 36,200 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन देय होगा। उसके बाद में जो है शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गता न्यूनतम अंकों का प्रतिशत जो निम्नलिखित अनुसार रहेगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% और अन्य के लिए 50% रहेगा। अब हम बात करेंगे रिक्त पद के बारे में। तो विषयमान से रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार होगी। रिक्तियों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी। विस्तृत रोस्टर परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। तो दोस्तों ये स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पद और जनजाति कार्य विभाग के रिक्त पद कुल टोटल पद इस तरीके से है। तो दोस्तों इसमें 8,720 पदों के लिए भर्ती होगी, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग में 7,591 और जनजाति कार्य विभाग में 1,129 पदों पर इसकी भर्ती होगी। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश स्कूल शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत जो उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी जो नियम पुस्तिका है वो कुछ इस तरीके से है। ये नियम पुस्तिका हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप ये नियम पुस्तिका अच्छे से पढ़ लें। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।